स्वागत है मेरे चैनल मोमोनोम पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की करारी भुजिया। तो चलिए बना के दिखाती हूँ ये रेसिपी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम भिंडी लेंगे, इसको धो के रख लेंगे। ये देखिए इसका पानी भी निकल चुका है। किस तरीके से काटना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। सारे लोग ये ऊपर का पॉइंट काट देते हैं, पर ये ज़रूरत नहीं है काटने की, ये भी इसी का पार्ट है, हम इसको भी खा सकते हैं। इस तरीके से काटना है। ये देखिए भुजिया हमारी कट के रेडी है। भुजिया छौंकने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो भिंडी की भुजिया है या कोई और भी भुजिया है, हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो उसमें बहुत ही करारी और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं बाकी का प्रोसेस। छौंक लगाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे स्वाद अनुसार हरी मिर्च, ये छोटे वाले राई के दाने, साबुत जीरा और हींग पाउडर। तो चलिए इसका छौंक लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, सबसे पहले राई के दाने डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे जीरा, उसके बाद हरी मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे हींग पाउडर। हींग पाउडर इसलिए डाल रहे हैं कि भिंडी की जो तासीर होती है वो बादी होती है, इसलिए हींग जरूर डालें। अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। इतने सारे लोग जब भिंडी बनाते हैं उनकी भिंडी खिचड़ी बन जाती है, आपस में चिपक जाती है, क्रंची नहीं बनती है। तो देखिए इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप बनाएंगे तो भिंडी आपकी करारी और क्रंची और बिना चिपकी हुई बनेगी। अब आपको क्या करना है, इसको ढकना नहीं है बिल्कुल भी, आप इसको ओपन ही रखना है थोड़ी देर तक, और इसको अभी 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। तो और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो भिंडी हम इसको जब ओपन में हम एक से दो मिनट पकाएंगे, जो उसका फ्लेम रखना है गैस का वो तेज़ नहीं करना, उसको स्लो पे ही रखना है। 2 मिनट हो गए, अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक। नमक जो हम लेंगे देखिए छोटे चम्मच से 1 चम्मच, हल्दी लेंगे 1/2 चम्मच, बताएंगे 2 से 3 मिनट तक बीच बीच में चलाते रहना है, और जो फ्लेम है वो हाई नहीं करना ना मीडियम करना है, इसको स्लो पे ही रखना है। अभी 3 मिनट के आसपास हो गए, ये देखिए भुजिया हमारी क्रंची हो गई है, इसका भी 1 मिनट में जो और क्रंची हो जाएगी, देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। भुजिया दाल चावल बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और पराठे के साथ, और इसमें अलग से और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसे लोग गरम मसाला वगैरह डाल देते हैं वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है। भिंडी का जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ हल्दी नमक डालिए। फिर ये ऑलमोस्ट तैयार है, देखिए तो किसी हमारी बनकर तैयार है, और इसको बर्तन में निकाल देंगे।
ये देखिए एक बार मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ, ये भिंडी की भुजिया कितनी क्रंची है और कितनी टेस्टी बनी है। अब बिल्कुल भी चिप चिप नहीं बनी है, बहुत ही एकदम सूखी और एकदम ड्राई बनती है। तो इस तरीके से आप भिंडी बनाएंगे तो आपकी भिंडी क्रंची और एकदम कुरकुरी बनेगी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।